मौनी अमावस्या पर्व कल है और इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन प्रस्तावित है। आज भी प्रातःकाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस माघ मेले क्षेत्र में जो हमारे विभिन्न स्नान घाट हैं वहां पर आकर लगातार स्नान कर रहे हैं। एक सारे स्नानार्थियों की, कल्पवासियों की और जितने भी यहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक वृहद सुरक्षा योजना तैयार की गई है। आवागमन के मार्ग निर्धारित किए गए हैं, पार्किंग की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। प्रयास ये किया गया है कि हम उनको स्नान घाटों के पास पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करें जिससे कि स्नानार्थियों को पैदल कम से कम चलना पड़े। आने और जाने के मार्ग निर्धारित हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से। हम लोग उनको आने के मार्ग, जाने के मार्ग पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से और विभिन्न साइनेज के माध्यम से हमने इंगित कर रखा है कि किन मार्गों से होकर वो स्नान घाटों तक पहुँच सकते हैं। जल में सुरक्षा की एक व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जो 6 किलोमीटर के जो हमारे क्षेत्र में फैले हुए स्नान घाट हैं इन पर डीप वाटर बैरिकेटिंग की गई है, रिवर लाइन स्थापित की गई है। 4 कंपनी हमारे पास फ्लड कंपनी के जवान हैं जिनको कि रिवर लाइन के साथ साथ विभिन्न बोटों पर स्थापित किया गया है, जो कि आकस्मिकता की स्थिति में प्रतिक्रिया करने की स्थिति में है और किसी भी श्रद्धालु को कोई अगर डूबने या ऐसी कोई स्थिति आती है, सहायता की स्थिति आती है, तो वो तत्काल प्रतिक्रिया करके उनकी जीवन रक्षा करने की स्थिति में है। इसके साथ साथ जो हमारा पूरा माघ मेला क्षेत्र है ये लगभग 200 CCTV कैमरों से आच्छादित है। ड्रोन के माध्यम से हम लोग नज़र रख रहे हैं। जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है ICCC 24/7 ऑपरेटिव है। सादे में हम लोगों ने ड्यूटियां लगा रखी हैं, क्राइम ब्रांच की टीम सक्रिय है और इस प्रकार सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर हम मौनी अमावस्या का पर्व सुकुशल संपन्न कराने की स्थिति में हैं। कितनी भीड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है और कोविड नियमों का किस तरह से पालन किया जा रहा है? काफ़ी लाखों की संख्या में आज भी अभी तक जो स्थिति है उसमें लगभग 40 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और इसी के क्रम में हम कल की संख्या जो है वो मान सकते हैं कि लगभग 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आने की संभावना होगी और उसी के अनुरूप हम लोगों ने व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की हैं। जहाँ तक कोविड की बात है तो जो हमारा स्वास्थ्य विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित कर जो माघ मेला क्षेत्र के जो 16 प्रवेश द्वार हैं यहाँ पर लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। जो पार्किंग प्लेसेस हैं वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और संयुक्त पुलिस की टीम थर्मल स्कैनिंग कर रही है। सिम्टम बेस्ड टेस्टिंग की व्यवस्थाएँ भी इन सारे स्थानों पर की गई हुई है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि मास्क धारण करें और कतिपय श्रद्धालु जब नहीं मास्क धारण करते हैं तो हम लोगों ने चालान की और प्रवर्तन की कार्रवाई भी अमल में लाई है।